आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। छपरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय की छात्र संगठन आरएसए के छात्र इकाई के पदाधिकारियों की बैठक कार्यालय में संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता छात्रा प्रमुख शिवानी पांडे ने की। बैठक को संबोधित करते हुए आरएसए के छात्रा प्रमुख शिवानी पांडे ने कहा, वर्तमान कुलपति के कार्यकाल में शैक्षणिक अराजकता चरम पर है, छात्र हित में कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा, महाविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय के कोई भी आदेश का पालन नहीं कर रहे, फॉर्म भरने में प्रत्येक महाविद्यालयों में अवैध वसूली की जा रही है, सबसे ज्यादा एफिलिएटेड महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं का आर्थिक दोहन किया जा रहा है। छात्र सह प्रमुख ऋषुराज ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल कैसा है शोध करने वाले पर निर्भर करता है, लेकिन जयप्रकाश विश्वविद्यालय में तो 4 वर्षों से पीएचडी की जांच परीक्षा ही आयोजित नहीं हुई। विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है, मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए जल्द पेट का आयोजन किया जाता है, लेकिन हवा हवाई साबित होता है। महाविद्यालयों में एनएसएस की यूनिट मृत प्राय हो गया, खेल कैलेंडर, सांस्कृतिक कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर पूरी तरह फेल हो गया। शैक्षणिक माहौल को कायम करने हेतु आरएसए की छात्र इकाई संघर्ष करेगी, संगठन की मजबूती पर भी विस्तार से चर्चा हुई। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था कायम करने हेतु ठीक करेंगे 4 काम, प्रवेश, पढ़ाई, परीक्षा, परिणाम के लिए संघर्ष करने का ऐलान किया। बैठक में आम सहमति बनी कि विश्वविद्यालय प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन तीनों जिले के महिला कॉलेज में एक एक एनसीसी यूनिट खोले ताकि छात्राओं का प्रतिभा में निखार हो सके। बैठक में प्रमुख रूप दीपा, ऋषुराज, दिशा कुमारी, सपना कुमारी, अंजलि कुमारी, जिया कुमारी, प्रियंका कुमारी, ममता सिंह आदि मौजूद। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। जयप्रकाश विश्वविद्यालय की समस्या यह है कि जब से कुलपति हमारे आए हैं, सबसे पहली बात कि लोगों को तो ये तक नहीं पता कि हमारे कुलपति बदल गए हैं, तो इनकी तो चर्चा ही नहीं होती है कि कुलपति नहीं हुआ है, और हमारे कॉलेज में पता भी नहीं है कि कुलपति का नाम क्या है, तो ये क्या करते हैं क्या नहीं इनका तो कुछ पता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो एडमिशन का है, कोई भी या बीए पार्ट 1 2 जो भी है, इसका एडमिशन का मान लीजिए हमको लगता है 400 रुपया, तो कॉलेज में किसी कॉलेज में जाके उसका 2500 रुपया लग रहा है, और हम जाके बोले अगर कॉलेज में इतना ये ऐसी चीज है तो बोलते जाके ऊपर बात करो। अरे तो ऊपर हम बात करने जाए बीसी सर से, तो कॉलेज में देखो, तो फिर आखिर हम जहाँ कहा जाए कहाँ। प्रिंसिपल बोलती है कि हम बीसी सर का नहीं सुनेंगे, बीसी सर का बात कोई प्रिंसिपल नहीं सुन रहा है। लोग हमारे कॉलेज में एनएसएस है बताइए अभी तक, और एनसीसी का कुछ व्यवस्था है ही नहीं, जबकि मतलब छात्रों का ऐसा कोई भी ऐसा चीज विकसित नहीं है जिससे छात्रों का मानसिक विकास हो, खेल कूद में ही चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम, इस सब चीज में कोई भी चीज हम लोग की कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर सुविधा नहीं है। अब हमारी छात्राएं मान लीजिए खेलकूद ग्राउंड लेवल पे चाहे कि खेलकूद में आगे बढ़े, कैसे बढ़े, ना कोई खेलने कूदने का कोई ग्राउंड है हमारे कॉलेज में या कहीं भी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, तो हम लोग कैसे आगे बढ़े। और मान लीजिए लड़कियां खेलना कूदना नहीं चाहती, संस्कृति लेवल में आगे बढ़ना चाहती है, तो उसके लिए भी कम से कम आप कॉलेज में रेगुलर साल भर पे एक बार करवाइएगा, तो इस तरह से निखर की लड़कियां आएंगी कि हाँ ये लड़की यहाँ से संस्कृति कार्यक्रम ही अच्छी है। तो क्या मांग करते हैं आप लोग, क्या होगा आपका अगला कदम? हम लोग एक लाइन में बस यही कहना चाहते हैं कुलपति जी से कि अगर वो एक्टिव नहीं होंगे हमारे शिक्षा के प्रति, हमारे शैक्षिक के प्रति, तो हम लोग आरएसए की जितनी भी टीम है आंदोलन करेंगे। वो टाइम पे हम लोग का एग्जाम नहीं लेंगे, पीएचडी का जांच परीक्षा हो गया, पीएचडी का एग्जाम हो गया, अगर नहीं वेबसाइट का भी कोई मामला था शायद, एडमिशन नहीं हो रहा था, लिंक फेल था, फर्स्ट ईयर का हम लोग का एडमिशन का आया है लिंक जो कि खुल ही नहीं रहा है, लिंक ओपन ही नहीं हो रहा है, फॉर्म ही नहीं जमा हो रहा है, और 6 दिन का ही समय, और 6 दिन का समय दिया, बताइए हम लोग 6 दिन में कितनी लड़कियां कैसे एडमिशन करवाएंगी जब खुलेगा ही लिंक नहीं। तो क्या नाम है आपका? शिवानी, मेरा नाम शिवानी पांडे घर का। आता है तो कोई सुनता नहीं है, वीसी तो पहले नहीं सुनते हैं, वीसी बोलते हैं कॉलेज जा, कॉलेज जाने के बाद वो लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी जा, यूनिवर्सिटी जाने के बाद कॉलेज वॉलेज में हम लोग जाते हैं एडमिशन के लिए, तो कोई कॉलेज में 420 रुपये लगता है, तो पीआर कॉलेज जो है सोनपुर में वहाँ पे लगता है 3000 रुपये, 4000 रुपये, 2500 रुपये से स्टूडेंट का पैसा लगता है एडमिशन के लिए। जब कितना लगना चाहिए? 420 ही लगना चाहिए, हर कॉलेज का रूल एक ही होना चाहिए ना, गर्ल्स के लिए या बॉयज के लिए, सबका रूल एक ही होना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? ऋषुराज सिंह। और सर एक छात्रों का समस्या आ रहा है कि लिंक नहीं खुल रहा है फॉर्म भरने के लिए, वेबसाइट दुरुस्त हो गया वेबसाइट जो वेबसाइट दुरुस्त हो गया है, और पैट के
पैट उसको हम लोग पैट बोलते हैं, पीएचडी एडमिशन टेस्ट, और वो अप्रूव्ड ही हुआ है 18 में। हम लोगों ने जब यहाँ ज्वाइन किया 20 में तो उसको अप्रूव किया अभी दिसंबर में, और अभी एकेडमिक काउंसिल में हम जनवरी में उसको अप्रूव किया। तो उसमें होता है कि वैकेंसी घोषित करनी पड़ती है। वैकेंसी ऐसा है कि प्रोफेसर 8, रीडर 6 और लेक्चरर जिसको आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं 4। इतने शोधार्थी उनके साथ कार्य कर सकते हैं एक समय में। तो हम लोगों ने मांगा है कि आप वैकेंसी भी बताएं, और जो कार्यरत छात्र हैं, जो आपके साथ शोध में व्यस्त छात्र हैं, आप उनकी भी सूची दें, उनका भी विषय लिखें, निबंधन की तारीख लिखें। सर, जेपीयू का लिंक नहीं खुल रहा है जिसपे लोग फॉर्म भरते हैं, वो परेशानी आ रही है। वो तो दुरुस्त हो गया, वो चल रहा है, सुधार कर दिया। सुधार कर दिया हम लोग, तुरंत सुधार किए। थोड़ी चूक हो जाती है, लिंक कमजोर है, थोड़ा सर्वर भी अपना पर्सनल नहीं है, इसके चलते परेशानी है। तो कहते हैं ना कि जो जो काम करेगा तो कठिनाई उसी को आएगी। केस बढ़ते हैं तो कैंची चलती है, पपनी नहीं बढ़ता है तो कुछ नहीं होता। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का